किसी चंगे काम की यात्रा करनी कोई माड़ी गल नहीं। कोई इस किस्म की यात्रा जिहड़ी है वो लोगों नू नौजवानों नू वरगला के किसी एक सोच के प्रति गांह लैके आए वो ठीक नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसी भी भंग नहीं करन देती। देखो पंजाब की सरकार बहुत बुरी तरह फेल हो चुकी है। पंजाब दे विच हर रोज़ 4 to 5 कतल होंदे ने। अज भी चुक के वेख लो, कल भी वेख लो। दिन तो दिन सरकार बद तो बदतर हो रही जा रही है। मुख्यमंत्री गुजरात बैठे ने, उन्होंने मंत्री गुजरात बैठे ने, उन्होंने पंजाब का कोई फिक्र नहीं। इन्हों का एक ही मॉडल है भी एक सूबा लुटना, वो पैसे लैके तो अगले सूबे वालू तुर पैना। कि इंडिया के लोगों को सारी नज़र आ गई और इन्हों कोई भी बंदा मूँह नहीं ला रहा। हिमाचल में इन्हें कोशिश की सी, चंद दिन बाद इन्हों समझ आ गई भी हिमाचल, क्योंकि पंजाब के लोगों ने उत्तर सारा कुछ दसिया भी इन्हों तो बच गए ने। उतों इन्होंने अपना बोरी बिस्तरा गोल किया, गुजरात में चले गए। वारस पंजाब दे मुखी अमृतपाल सिंह दे वल्लों कढ़ी जा रही यात्रा दे उत्ते फतेह सिंह बाजवा दा एक बयान सामने आया है। भाजपा दे विच शामिल होए फतेह सिंह बाजवा दा कहना है कि यात्रा कढ़न दे उत्ते कोई एतराज नहीं है, पर कानून व्यवस्था दा भी ध्यान रखिया जाना चाहिदा है। कानून व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहीदी। जिक्रयोग है कि इस मौके वह सूबे की आप सरकार नूं भी घेरदे हुए नज़र आए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार हर फ्रंट दे उत्ते फेल साबित हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, अज दी आवाज़। गुजरात की इलेक्शन तो बीजेपी बहुत वड्डी लीड ना जितेगी। पिछली बार 99 सीट सीगियां, तो इस बार असं एक्सपैक्ट कर रहे हैं भी 140 तो प्लस सीटा आ गई। बीजेपी साहब पंजाब से कह रहे हैं भी कानून व्यवस्था किसी भी हालत में असं भंग नहीं होने देवे पंजाब की, इस पर थोड़ा की प्रतिक्रम है? पंजाब के किस तरह के आज की हालात है? देखो पंजाब की सरकार बहुत बुरी तरह फेल हो चुकी है। पंजाब दे विच हर रोज़ 4 to 5 कतल होंदे ने। अज भी चुक के वेख लो, कल भी वेख लो। बदतर दिन तो दिन सरकार बद तो बदतर हो रही जा रही है। पंजाब की सारी लीडरशिप, पंजाब की वजारत गुजरात च बैठी है, मुख्यमंत्री गुजरात च बैठे ने, उन्होंने मंत्री गुजरात च बैठे ने, उन्होंने पंजाब का कोई फिक्र नहीं। इन्हों का एक ही मॉडल है भी एक सूबा लुटना, वो पैसे लैके तो अगले सूबे वालू तुर पैना। ते इना दी जिहड़ी इह सारा षडयंत्र, इना दी सारी पॉलिसी है, ये दुनिया भर खास करके इंडिया दे विच लोगों नू सारी नज़र आ गई और इना नू कोई भी बंदा मूँह नहीं ला रहा। हिमाचल विच इना कोशिश कीती सी, चंद दिन बाद इना नू समझ आ गई भी हिमाचल, क्योंकि पंजाब दे लोगों ने उत्थे सारा कुछ दसिया भी इना तो बच गए रहो। ते उतों इन्होंने अपना बोरी बिस्तरा गोल किया, गुजरात में चले गए। गुजरात विच भी जाके पंजाब दे बहुत सारे यूनियंस, बहुत सारे लोग, बहुत सारे किसान वीर उत्थे जाके इन्हां दे जिहड़ा सरकार चल रही है जिस तरीके नाल, ओह उन्हां दा पर्दा उत्थे फाश कर रही, लोकां नूं दस रहे भी असीं ते डुब्बे हां पंजाब दे लोग, ते तुसीं ना किते इन्हां दीआं गल्लां दे विच आ जाओ। सो समां आ जाणा भी एक मजबूरी बनी है पंजाब दे लोकां लई भी इन्हां तों किते ना छेती तों छेती छुटकारा पाए। अमृतसर तो अमृतपाल वालों बहिर यात्रा आनंदपुर साहब लिए शुरू की गई है, पंजाब के हालात दे विच यात्रा किस तरह देख रहे हो? देखो किसी चंगे काम लई यात्रा कढ़नी कोई माड़ी गल नहीं। जे भारत जोड़ो लई राहुल गांधी ने यात्रा कढ़ी है तो असी अमृतपाल की यात्रा नूं किदां कह सकते हैं भी ये गलत है? बट इन्हां हालातां दे विच कोई इस किस्म की यात्रा जिहड़ी है वो लोगों नूं नौजवानों नूं वरगला के किसी एक सोच के प्रति गांह लैके आए वो ठीक नहीं। सो किसी नूं हर बंदे नूं एक डेमोक्रेटिक राइट है, वह अपनी यात्रा कढ़े, अपनों उन्हें मन नूं जो है भी वह लोगों नूं अमृत छका रहे ने ते सिखी दे लई वह प्रचार करे, इस कोई माड़ी गल नहीं। पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसी नूं भी भंग नहीं करन देनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर।